बच्चियो रगड़ बाल दिया किस्मा बारे जानकारी लईए। मन लो तुसी अपने घर विच पए सोफे नू गति विच लियाउण दी कोशिश करदे हो, पर सोफा बहुत भारी है। शुरुआती धक्का लगाउण नाल की वापरदा है? तुसी वेखोगे कि कुछ भी नहीं होया, सोफा अपनी जगह तो हिलिया ही नहीं। होर वधेरे बल लगाउण ते भी सोफा गति विच नहीं आउंदा। बच्चियो, सोफा क्यों नहीं वध्या? जिस तरह सानू पता है कि रगड़ दे कारण, इस दा कारण है स्थितिक रगड़ बल। इस स्थिति विच तुहाडे द्वारा लगाए गए बाहरी बल नू फर्श द्वारा लगाया गया रगड़ बल संतुलित कर दिंदा है। एह रगड़ बल तुहाडे द्वारा लगाए गए बल दी उल्ट दिशा विच कम करदा है। ते बच्चियो, इस नू ही स्थितिक रगड़ बल कहा जांदा है। एक हैरानी वाली गल ए है कि जिन्ना असी किसे वस्तु ते बाहरी बल लगाउंदे हां, रगड़ बल भी अपने आप नू उन्ना ही वधाउंदा रहिंदा है। इसे करके इस नू स्वै समायोजन जा सेल्फ एडजस्टिंग बल कहा जांदा है। पर जदों बाहरी बल दी मात्रा इन्नी वधा दईए कि ओह दो सतावां दे विचकार अंतर बंधन नू पार कर जाए, तां सोफा गति विच आ जाएगा। हुण सोफे नू गति विच रखण लई तुहानू घट बल लगाउणा पएगा। इस तों पता लगदा है कि किसे वस्तु नू विराम अवस्था तो गति शुरू करन दी स्थिति विच रगड़ ते पार पौण लई जेड़ा बाहरी बल लगाया जांदा है, ओह बल स्थितिक रगड़ दा माप हुंदा है। जदों के इस दे उल्ट किसे वस्तु उसे चाल नाल गतिशील रखण लई लोड़िंदा बल उस दे सरकनशील रगड़ दा माप हुंदा है। एह सरकनशील रगड़ स्थितिक रगड़ तो घट हुंदी है। इस तो पता लगदा है कि किसे रुकी हुई वस्तु नू विराम अवस्था तो सरकवी हालत विच तां गतिशील अवस्था विच रखण लई जेड़ा रगड़ बल कम करदा है, उसनू सरकनशील रगड़ बल कहा जांदा है।